श्रीनगर के कानीपुरा इलाके में आतंकी हमला, नमाज पढ़ने जा रहे पुलिसकर्मी पर मस्जिद के बाहर बरसाई गई गोलियां, इंस्पेक्टर शहीद। सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक दहशतगर्दी, दो आतंकियों ने पीछे से आकर इंस्पेक्टर को बनाया निशाना, आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। सीआईडी में तैनात थे इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार, हमले के बाद फौरन ले जाया गया अस्पताल, नहीं बच सकी जान। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने की आतंकी वारदात की निंदा, शहीद के परिवार के प्रति जताई संवेदना, कहा बेकार नहीं जाएगा सर्वोच्च बलिदान। जम्मू के कठुआ में बीएसएफ ने 27 पैकेट हेरोइन की जब्त, मुठभेड़ में मारा गया सीमा पार से आया तस्कर। सामने आया बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग के करीब पहाड़ खिसकने का लाइव वीडियो, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग हुआ बंद। बिहार के बेतिया में बारिश से बही सड़कें, कई गांव का टूटा संपर्क, अब रस्सी के सहारे जिंदगी। गोपालगंज में भारी बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी, सुरक्षित जगहों की तलाश में जुटे लोग। लगातार बारिश से हाजीपुर में बाढ़ जैसे हालात, खाने पीने की किल्लत ने लोगों को किया परेशान। मुजफ्फरपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी जमा, टापू में तब्दील हुआ औद्योगिक क्षेत्र। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ हुई विकराल, घर में घुसा पानी, फसलें तबाह, एक लापता। आजमगढ़ में लगातार बढ़ रहा है सरयू का जलस्तर, कई गांव में मंडराया बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश में जारी है मॉनसूनी बारिश, भोपाल में पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पहाड़ी नदियों में अचानक बाढ़ आने से फंसा परिवार, 3 घंटे की मशक्कत के बाद 12 लोगों का रेस्क्यू। गुजरात के पाटन में नदी की तेज धार में फंसा बाइक सवार, बाइक बही बची जान। दिल्ली के उद्योग विहार में गोदाम में धधक रही आग, पिछले 40 घंटे से आग पर काबू पाने की हो रही है कोशिश। लखनऊ में एक खड़ी कार बनी आग का गोला, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पंजाब के फरीदकोट में दो गुटों में फायरिंग, नकाबपोश बदमाशों ने दूसरे गैंग पर चलाई गोलियां, एक की मौत। मैनपुरी में बेरहमी से बुजुर्ग की हत्या, संपत्ति के चक्कर में दामाद ने वारदात को दिया अंजाम। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से जख्मी बदमाश चढ़ा हत्थे। पीएम के साथ कल होने वाली मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचने लगे गुपकार के नेता, 14 नेता बैठक में होंगे शामिल। पीएम की बैठक से पहले श्रीनगर में गुपकार गठबंधन ने तय किया बातचीत का मसौदा, फारूक अब्दुल्ला करेंगे अगुवाई। बातचीत से पहले महबूबा मुफ्ती ने अलापा पाकिस्तान करा, कहा जब तालिबान से हो सकती है बातचीत तो पड़ोसी मुल्क से क्यों नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को यानी कल बुलाई है जम्मू कश्मीर पर बैठक, पूर्ण राज्य का दर्जा और चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। मिशन 2022 के लिए यूपी में बीजेपी की मैराथन बैठक, लखनऊ में कोर टीम के साथ योगी का मंथन। बैठक में मिशन 2022 के एजेंडे पर बनाया गया रोडमैप, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर विचार विमर्श। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 300 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा, कहा इस बार की जीत होगी प्रचंड। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा यूपी चुनाव में योगी ही होंगे बीजेपी का चेहरा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर राष्ट्र मंच की मीटिंग, शामिल हुए कई दलों के नेता। शरद पवार और यशवंत सिन्हा ने की पवार के घर बैठक की अगुवाई, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने की शिरकत। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का निशाना, कहा राहुल हैं ट्विटर नेता। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस ने सरकार को फिर घेरा, राहुल ने जारी किया श्वेत पत्र नाम का दस्तावेज। बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, संबित पात्रा बोले देश में कुछ अच्छा होने पर कांग्रेस नेता को होती है चिढ़। अखिलेश यादव ने उठाया यूपी में कोरोना से मरने वालों के आंकड़े का मुद्दा, ट्वीट में लिखा मृत्यु का डेटा नहीं देकर मुंह छिपा रही है सरकार। दरभंगा में तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जन अधिकार पार्टी की सड़कों पर पैदल यात्रा, पैदल बाइक खींचकर जताया विरोध। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस में घमासान सुलझाने की पहल, पार्टी कमेटी के सामने पेश हुए कैप्टन अमरिंदर। कमेटी के सामने कैप्टन ने खुलकर रखी बात, सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को कोई पद देने को तैयार नहीं है सीएम। बिहार की सड़क पर चिराग गुट ने लगाए पोस्टर, नीतीश कुमार को बताया एलजेपी में टूट का जिम्मेदार। नीतीश कुमार ने पहली बार एलजेपी पर दी प्रतिक्रिया, बोले पार्टी की टूट फूट में नहीं है कोई हाथ। नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने पर तेज हुई केंद्र सरकार में जेडीयू के शामिल होने की चर्चा। आज तक से खास बातचीत में एम्स के डायरेक्टर ने दी राहत की खबर, बोले सितंबर तक बच्चों के लिए आ जाएगी वैक्सीन।
So vaccine trials in India are already going on. Bharat Biotech is already doing the trials, and one is hopeful that the results will be out quickly. I think by September the data should be out. And फाइजर वैक्सीन के देश में इस्तेमाल की मिल सकती है इजाजत, बच्चों की वैक्सीन के लिए एक और बेहतर विकल्प। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित, महाराष्ट्र एमपी और केरल को कारगर कदम उठाने के निर्देश। देश में फ्री वैक्सीनेशन के दूसरे दिन लगे करीब 54.5 लाख टीके, यूपी ने 7,63,000 टीके लगाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिल्ली से दुबई के लिए आज से उड़ानें शुरू, एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर निकलने से पहले मुसाफिरों को कराना होगा कोरोना टेस्ट। 24 घंटे में 50,800 से ज्यादा मरीज, एक्टिव केसेस 6,43,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में सुस्त पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में 8,470 नए मामले। तमिलनाडु में घटने लगा संक्रमण दर, 24 घंटे में 6,895 नए मरीज। झारखंड में 24 घंटे में सामने आए 110 नए मरीज, दो मरीजों ने तोड़ा दम। 12वीं के रिजल्ट का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की स्कीम को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की परीक्षा का विकल्प चुनने की मांग, फिजिकल एग्जाम जुलाई में आयोजित कराने से इनकार। भिंड में आशा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर मंत्री के बिगड़े बोल, कहा आप लोग कोई काम नहीं करते निकलवा दूंगा। मथुरा में बेखौफ बदमाशों का आतंक, एक घर में घुसकर नाबालिग बच्ची को छत से फेंका, वीडियो वायरल। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर लाई गुंडागर्दी, डबल डेकर बस में 2 दर्जन गुंडों ने की तोड़फोड़ और मारपीट। नोएडा में अपराध पर अंकुश की कोशिश, पुलिस ने 11 खतरनाक अपराधियों को जिला बदर किया, 9 को दिया नोटिस। नागपुर में अवैध संबंध के चलते एक शख्स की हत्या, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की धरपकड़। चंदौली में एक नेता के बेटे की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, तस्वीरों में एक ढाबे में मचाया उत्पात। चंदौली में पुलिस ने पकड़ी शराब की खेप, भारत सरकार लिखी हुई कार से 35 पेटी शराब जब्त, तस्कर फरार। राजस्थान के करौली में बाप बना हैवान, 2.5 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोप में पिता हिरासत में। भूमाफिया पर सहारनपुर पुलिस की कार्रवाई, विनोद शर्मा की करोड़ों की संपत्ति जब्त। बिहार के किशनगंज में पुलिस वाले की हत्या के आरोपियों के लिए रिमांड पर 10 अप्रैल को हुई थी वारदात। आरा में ऑटो सवार महिला को बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार, जैन मंदिर से 4 मूर्ति चुराकर भागा था बदमाश। मुरादाबाद में पुलिस ने फर्जी पत्रकार को पकड़ा, लोगों से काम करवाने के लिए लेता था लाखों। लखीमपुर खीरी में मामूली बात पर 2 बच्चों की बेरहमी से पिटाई, जामुन चुनने पर पेड़ के मालिक ने रस्सी से बांधकर पीटा। राजस्थान के पुष्कर में 11 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में घरेलू किले में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सिद्धार्थनगर में महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, महिलाओं को डंडे से मारते दिख रहे हैं युवक। पुणे में फांसी लगाकर पुलिस कांस्टेबल ने दी जान, खुदकुशी से पहले फर्श पर लिखा सॉरी मॉम। मुंबई में एक वकील ने सेंसर बोर्ड को लिखी चिट्ठी, पाक कलाकारों को फिल्म में लेने वाले फिल्म मेकर पर कार्रवाई की मांग। कर्णम महेश्वरी मलेश्वरी होंगी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वीसी। देहरादून में देश की प्रथम महिला पैराशूटिंग चैंपियन, बेच रही है सड़क पर नमकीन, सरकार से लगाई नौकरी की गुहार। अमरनाथ यात्रा देहरादून से दुकानदारों, पिट्ठू वालों और घोड़ों वालों में मायूसी, भक्तों को ऑनलाइन होंगे बाबा के दर्शन। विजयवाड़ा में एक एनजीओ ने ऑटो चालकों को बांटे मास्क सैनिटाइजर। प्रतिबंधों में ढील मिलते ही एफएमसीजी कंपनियों में तेजी से रिकवरी, बिक्री में 15% का इजाफा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 जुलाई से नए नियम होंगे लागू। बीपीसीएल ने हरियाणा में शुरू की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबले का 5वें दिन का खेल खत्म, बारिश की खलल की वजह से रिजर्व डे पर आज होगा मैच का फैसला। टीम इंडिया के पास रुचि कारी के आधार पर 32 रनों की लीड, 5वें दिन का खेल खत्म होने तक स्कोर 64 रन पर 2 विकेट। कप्तान कोहली 8 रन और पुजारा 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद, शुभमन गिल और रोहित शर्मा को टिम साउदी ने सस्ते में किया चलता। न्यूजीलैंड ने पहली पारी बनाए 249 रन, भारत के मोहम्मद शमी ने चटकाए 4 विकेट। आगरा पहुंची बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल, पति के साथ ताजमहल का किया दीदार।